देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, मैं हूँ यशी शुक्ला, स्वागत है आपका HBN न्यूज में। और अब वक्त है 5 मिनट में 25 खबरों का। नई सरकार बनते ही देश के लिए नए प्रधानमंत्री को 100 दिन का एक्शन प्लान सौंपेगा नीति आयोग। जम्मू कश्मीर कुलगाम में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। मतगणना कल स्ट्रॉन्ग रूम से ईवीएम तक हर स्टेप पर नजर रखेगी सपा बसपा। तेलंगाना आरक्षण समिति के अध्यक्ष को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटा, मुकदमा दर्ज। कमलनाथ के सामने छलका विधायक का दर्द, बोले मेरी ना मंत्री सुन रहे हैं ना अफसर, क्या इस्तीफा दे दूं। राजस्थान में ट्रेन के थर्ड एसी टॉयलेट में महिला की हत्या, गर्दन पर मिले चोट के निशान। राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज होगा या नहीं, अदालत ने सुरक्षित किया रखा फैसला। डोकलम विवाद पर चीन ने कहा एक परिवार के 2 भाइयों में दिक्कत हो जाती है। लोकसभा चुनाव 2019 के रिजल्ट से एक दिन पहले लाल निशान पर खुलने के बाद शेयर बाजार में आई तेजी। पंजाब अमृतसर में बूथ नंबर 123 पर दोबारा हो रहा मतदान, वोटरों को दिया जा रहा सर्टिफिकेट। इसरो ने लॉन्च किया रिसेट 2B अर्थ सैटेलाइट, और मजबूत होगी भारतीय सुरक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश, अगस्त 2020 तक बनाए पूर्वांचल एक्सप्रेस की मुख्य सड़क। भारतीय टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के लिए इंग्लैंड रवाना। यूपी में आज आंधी आने के आसार, कुछ जगहों पर हो सकती है बूंदाबांदी। प्रयागराज में ठेकेदार के बेटे का अपहरण कर भाग रहे अपहरणकर्ता ने खुद को गोली मारी, बच्चा सकुशल बरामद। कानपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत, माता पिता की हालत गंभीर। दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर 2.30 करोड़ रुपए की विदेशी करेंसी जब्त। दिल्ली में टिकटॉक ऐप पर सक्रिय जिम ट्रेनर को गोलियों से भूना, हत्यारे सीसीटीवी कैमरों में कैद। पूर्वी दिल्ली में कलर कोड से होगी मतगणना केंद्रों की पहचान, पद चिन्हों का रंग देगा जानकारी। शिमला में मॉक पोल विवाद वाले केंद्रों पर वीवीपैट से होगी मतों की गिनती। हिमाचल में रिकॉर्ड गर्मी के बाद अंधड़ और ओलावृष्टि की चेतावनी। जम्मू कश्मीर कुलगाम में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। जम्मू में पति को बंधक बनाकर पत्नी से सामूहिक दुष्कर्म, 4 बाइक सवार युवकों ने घटना को दिया अंजाम। राजस्थान में कर्ज में डूबे किसान ने कलेक्ट्रेट परिसर में की आत्महत्या, पिछले 6 महीनों से तीसरी घटना। हिमानी और सनी देओल समेत लोकसभा चुनाव में बॉलीवुड के 13 सेलिब्रिटीज की किस्मत दांव पर, कांग्रेस बीजेपी और सपा भी उतरे मैदान। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए HBN न्यूज। आप देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर।